हेलो दोस्तों, मैं मंचूरी टेस्ट द फ्लेवर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने मैदा और आटे के तो नमक पारे बहुत बनाए और खाए भी होंगे, पर मैं आज आपके साथ सूजी के नमक पारे की रेसिपी शेयर करूँगी। इसे हम बनाएंगे सिर्फ सूजी से, इसमें हम आटा, बेसन, मैदा वगैरह कुछ भी नहीं मिलाएंगे। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप सूजी ली है। आप मोटी या बारीक कोई भी सूजी का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेट में देखेंगे तो लगभग 250 ग्राम सूजी का इस्तेमाल मैंने किया है। इसके बाद इसे हम एक मिक्सर जार में डालेंगे और इसे हमें पीस कर इसका पाउडर बना लेना है। जब आप इसे पीस लेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल ये आटे जैसा नहीं होता, जिस तरीके से चावल का आटा होता है उसी तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सूजी को पीस लिया। इसके बाद एक बड़ी प्लेट में इसे हम निकाल लेंगे। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट डो बना लेंगे। दूसरे नमक पारे की तरह इसमें आपको तेल डालकर मोयन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बिना तेल के भी ये नमक पारे बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और स्टार्टिंग में हमें गीला आटा लगाना है, मतलब बहुत ज़्यादा मुलायम आटा हम लगाएंगे। तो यहाँ पर डो लगकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे मैंने बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगाया है और लगभग 1 कप पानी मैंने यहाँ पर लिया था, जिसमें 2 चम्मच पानी बच गए। इतने पानी में अच्छे से आटा लगकर रेडी हो जाता है। और आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही गीला है, क्योंकि सूजी बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्व करती है। इसके बाद इसे हम 30 मिनट तक ढक कर रखेंगे और तब तक आटा अच्छे से सेट हो जाएगा और ये नमकीन बनाने के लिए भी टाइट भी हो जाएगा। तो इसे गीले कपड़े से ढककर हम 30 मिनट तक के लिए रख देंगे। 30 मिनट बाद हम आटे को चेक करेंगे तो ये अच्छे से सेट हो गया है, क्योंकि सूजी जब पानी एब्जॉर्व कर लेती है, अच्छे से फूल जाती है, तो आटा टाइट हो जाता है। और नमक पारे बनाने के लिए हमें टाइट आटे की ही ज़रूरत होती है। तो आटा अच्छे से सेट हो गया, चलिए अब हम इसके नमक पारे बना लेते हैं। तो इस पूरे डो को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इसके बाद इसे भी थोड़ा सा सेट करके 2 से 3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर मैं चकले की जितनी साइज़ की रोटी बेलकर रेडी करूँगी। अगर आप बड़े बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं इसे बेलने के लिए, तो थोड़ी सी बड़ी लोई लेके इसे बेल सकते हैं। इसके बाद इसे बेलने के लिए इसमें हमें कोई सूजी का आटा या नॉर्मल आटा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत आसानी से बेल जाता है। अगर आपने आटा अच्छे से लगाया तो इसे बेलने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। और आप देख पा रहे होंगे बहुत ही आसानी से ये बेल जाता है। तो इसे बेलकर एक बड़ी रोटी की तरह हम बना लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा या पतला नहीं रखना है। इसके बाद इसे हम डायमंड शेप में कट कर लेंगे। दोस्तों, सूजी के नमक पारे को फ्राई करने की प्रोसेस थोड़ी सी अलग होती है। आप नॉर्मल नमक पारे को अलग तरीके से पकाते हैं और इसके पकाने की प्रोसेस थोड़ी अलग हो जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। तो आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से हमें चाकू की मदद से इसे डायमंड शेप में कट कर लेना है। अगर आप इसे डायमंड शेप में नहीं कट कर रहे हैं तो नॉर्मल नमक पारे के शेप में इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कट करने के बाद इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ध्यान रखें दोस्तों, आप प्लेट या पेपर जिसमें भी नमक पारे को निकाल रहे हैं, इनके बीच में स्पेस ज़रूर रखें, दूर दूर रखें, नहीं तो ये आपस में चिपक जाते हैं और इनका शेप खराब हो जाता है। इसके बाद गैस की हाई फ्लेम में तेल को हम गर्म करेंगे और तेल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद इसे चेक करेंगे। अगर नमक पारा तुरंत ही ऊपर आ जा रहा है फ्राई होकर, तो तेल अच्छे से गर्म है। इसके बाद हम बाकी बने हुए नमक पारे इसमें डाल देंगे और गैस की हाई फ्लेम में इन्हें फ्राई करेंगे। जैसे ही नमक पारे फूल जाएं, आपको गैस को बंद कर देना है और ऑयल के नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाने के बाद ही गैस के लो फ्लेम में इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लें। बस सूजी के नमक पारे बनाने में आपको गैस की फ्लेम का ही ध्यान रखना होता है, नहीं तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, बिल्कुल भी कुरकुरे नहीं बनते। और जैसे इनका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए, इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और बाकी के नमक पारे भी ऐसे फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं सारे नमक पारे मैंने तैयार कर लिए हैं। इनकी क्रिस्पीनेस दोस्तों मैं आगे आपको वीडियो में चेक कराती हूँ। आप देख पा रहे हो कितने अच्छे से ये फूले हुए हैं, तो आप इनकी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। इसके बाद इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक मिलाएंगे। एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा बस बहुत ज़्यादा तीखापन नहीं आएगा। थोड़ा सा चाट मसाला डाल लेंगे। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं या मार्केट में बहुत आसानी से चीज़ पाउडर मिलता है, वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो सूजी की क्रिस्पी और टेस्टी नमक पारे दोस्तों बनकर रेडी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।